ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। लेट अस स्टार्ट द क्लास बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी लास्ट इट सो मेनी टाइम सो मच टाइम। ओके, सो टुडेस लेक्चर इज अबाउट सुपरएलिवेशन। सुपरएलिवेशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा। व्हाट इज एक्चुअली सुपरएलिवेशन? सुपरएलिवेशन को सिंपली डिफाइन करते हैं कि भाई रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ अ पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ द पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज। प्रोसेस नहीं कह सकते, द फिनोमेना ऑफ रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ द पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज दैट विल बी कॉल्ड एज द सुपरएलिवेशन। सो आपने देखा होगा कि जब भी आप सर्कुलर कर्व पे मूव कर रहे होंगे या सर्कुलर कर्व पे ट्रेवल कर रहे होंगे, सर्कुलर कर्व पे गाड़ी चला रहे होंगे, तो आपने ये महसूस किया होगा कि जो जो आउटर विड्थ है या आउटर साइड ऑफ पेमेंट है वो ऊपर उठा हुआ है और जो इनर साइड ऑफ द पेमेंट है वो नीचे होता है। आउटर साइड ऑफ द पेमेंट बहुत ऊपर थोड़ा उठा हुआ होता है और नीचे वाला जो साइड है इनर साइड है वो नीचे होता है। जैसे इस फिगर में गिवन है, देखिए ये कोई गाड़ी है, गाड़ी यहाँ पर सर्कुलर कर्व पे मूव कर रही है, तो ये जो आउटर एज ऊपर उठा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, इस पर्टिकुलर पोर्शन को कहेंगे या इस पर्टिकुलर फिनोमेना को कहेंगे सुपर एलिवेशन। द रेजिंग ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज दैट विल बी कॉल्ड एज द सुपर एलिवेशन। तो ये सुपर एलिवेशन हम देते क्यों हैं, क्या मकसद है वगैरह वगैरह, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई व्हेन एनी व्हीकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर कर्व देयर इज अ फोर्स व्हिच इज पुलिंग दी व्हीकल ऑन द आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ दी सर्कुलर कर्व। दैट पर्टिकुलर फोर्स इज ऑलवेज कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम काउंटरेक्ट करने के लिए या बैलेंस करने के लिए वी डू द सुपर एलिवेशन, वी कंस्ट्रक्ट द सुपर एलिवेशन और वी प्रोवाइड द सुपर एलिवेशन एक्चुअली, ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो जाए सेंट्रीपिटल फोर्स से। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच इज पुलिंग द व्हीकल इनवर्ड इन द इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर कर्व एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इज पुलिंग द व्हीकल ऑन द आउटवर्ड डायरेक्शन। जब आप सर्कुलर कर्व पे मूव कर रहे होंगे, ट्रेवल कर रहे होंगे, तो आपने फील किया होगा कि आप खुद ब खुद आप बाहर की तरफ मूव हो जाती है, बाहर की तरफ ट्रेवल थोड़ा आपका शोल्डर चला जाता है या बाहर की तरफ आपको पुल महसूस होता है। उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उसी को बैलेंस करने के लिए, उसी को बैलेंस करके व्हीकल को एक कंफर्ट देने के लिए हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं सर्कुलर कर्व के कर्व पे, ताकि व्हीकल जो है बाहर की तरफ ना खींचें और बाहर की तरफ ऐसा ना हो कि रोड के बाहर की तरफ चली जाएँ और एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। सो फॉर दैट पर्पज़ वी क्रिएट वी प्रोवाइड द सुपर एलिवेशन। ठीक है, वो सुपर एलिवेशन के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है कि भाई इन ऑर्डर काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रिफ्यूगल सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एंड रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ व्हीकल टू ओवरटर्न आर टू स्केड द आउटर एज ऑफ द पेमेंट इज रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज दैट विल बी दैट इज कॉल्ड एज सुपर एलिवेशन। यहाँ पर देखें ना, द प्रोसेस ऑफ यहाँ फिनोमेना इन विच दी आउट आउटर एज इज रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज दैट विल बी कॉल्ड एज द सुपर एलिवेशन। यहाँ पर देखें आउटर एज को रेज किया गया है और ये इनर एज वहीं का वही सेम है। सो द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज द सुपर एलिवेशन। सो विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज दस प्रोवाइडिंग अ ट्रांसवर्स स्लोप थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व दिस ट्रांजिशन इंक्लिनेशन टू द पेमेंट सरफेस इज नोन एज सुपर एलिवेशन कैंट और बैंकिंग। सो ये जो ट्रांजिशन स्लोप हम प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग द सर्कुलर कर्व दैट ट्रांसफर स्लोप विल बी कॉल्ड एज द सुपर एलिवेशन। ये सुपर एलिवेशन, इस पर्टिकुलर स्लोप को हम कहते हैं सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन को हम कैंट भी बोलते हैं और बैंकिंग भी बोलते हैं। एक कुर्मी के एम सी क्यूज बुक में आप देखोगे कि वहाँ पर एक एम सी क्यूज है जिसमें तीनों ऑप्शन दिए गए हैं और ऑल ऑफ द अबव बोला गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि सुपर एलिवेशन को हम कैंट भी बोलते हैं, सुपर एलिवेशन को हम बैंकिंग भी बोलते हैं। द सुपर एलिवेशन इज एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल विड्थ। हाइट ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल विड्थ। अगर आपको कभी भी कैलकुलेट करना है कि सुपर एलिवेशन रेट कितना है, तो आप क्या करोगे, जो आउटर एज की विड्थ है, हाइट है, उसको आप कैलकुलेट करोगे, मेयर करोगे
और जो हॉरिजेंटल विड्थ है पेमेंट का उसको मेयर करोगे, दोनों का रेशो निकालोगे, यू विल हैव दी सुपर एलिवेशन। जैसे इसमें है, यहाँ पर मैंने फार्मूला ऑलरेडी दे दिया है, ये फार्मूला देखें, सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू ई अपॉन बी, ई इज़ द एक्सटर्नल विड्थ ऑफ द पेमेंट एंड बी इज़ द विड्थ ऑफ द पेमेंट और विड्थ ऑफ द पेमेंट जो यहाँ पर मैंने शो किया है। दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर विड्थ या एक्सटर्नल विड्थ या एक्सटर्नल हाइट इज़ denoted by E and this particular B is denoted by width is denoted by B, ठीक है। सो अगर आपको सुपर एलिवेशन रेट कैलकुलेट करना है, यू विल हैव द रेशो ऑफ E एंड B। अच्छा, ये जो B डिस्टेंस है दैट इज सेम एज दिस डिस्टेंस, ये जो B डिस्टेंस इंक्लाइन डिस्टेंस है, ये विड्थ ऑफ द पेमेंट है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता है। बिकॉज वाई इट इज सेम, बिकॉज द एंगल बिटवीन दिस होल ट्राइंगल इज वेरी स्मॉल। जब एंगल बिल्कुल स्मॉल होता है तो टेन थीटा को हम एक थ्योरम है कि टेन थीटा विल बी इक्वल टू द साइन थीटा, अगर इसका ऐसा हो जाएगा तो फिर दिस द हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू द बेस। इसीलिए और ये जो करते हैं इस विड्थ को मेयर करते हैं और इस एक्सटर्नल डिस्टेंस को मेयर करते हैं और उससे हमें आसानी से सुपर एलिवेशन आ जाता है। अच्छा, ये प्रॉब्लम अक्सर आता है जो एमसीक्यूज वाले पेपर होते हैं उसमें अक्सर आपके पास प्रॉब्लम आता है। वो बोलते हैं कि भाई सपोज द विड्थ ऑफ द पेमेंट इज 24 फीट, मसलन विड्थ ऑफ द पेमेंट इज 24 फीट एंड द एक्सटर्नल डिस्टेंस और एक्सटर्नल हाइट ऑफ द पेमेंट इज एक्चुअली 0.5 inches, सॉरी 0.5 feet, 0.5 feet का मतलब कितना हो जाएगा 6 inches, ठीक है। सो नाउ यू विल कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन रेट, सुपर एलिवेशन रेट कितना हो जाएगा, सुपर एलिवेशन का फार्मूला है E अपॉन बी। सो सिंपली आप 26 को या 0.5 को डिवाइड करोगे 24 के साथ, इसको 12 फीट कर दो सिंपली, ज़्यादा हो जाएगा ये 6 inches, इनफ इज फॉर 12 फीट। सो एक्सटर्नल डिस्टेंस इज 0.5, दैट विल बी 0.5 डिवाइडेड बाय 12 एंड दैट विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 in 24 आई थिंक। कितना भी आंसर है लेकिन कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है दैट इज दिस, आपके पास अगर एक्सटर्नल डिस्टेंस हो और आपके पास वेथ हो तो यू विल ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है। उसी इससे रिलेट अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक पेमेंट है जिसमें हम सुपर एलिवेशन रेट देना चाहते हैं 7% 7% हम सुपर एलिवेशन रेट देना चाहते हैं और जो विड्थ ऑफ द पेमेंट है वो है तकरीबन 24 फीट या 12 फीट बना देते हैं इसको, विड्थ ऑफ द पेमेंट है 12 फीट, अब बताएं कि आउटर रेज को हम कितना रेज करें कि सुपर एलिवेशन हम कंस्ट्रक्ट कर सकें ईजिली। तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम जो ई का फार्मूला है, ई इज इक्वल टू ई अपॉन बी और उसी एक्सटर्नल वेट का हम फार्मूला निकालेंगे दैट विज बी ई इज इक्वल ई इंटू बी, ई इंटू बी जैसे ये फार्मूला यहाँ पर गिवन है, ई इज इक्वल टू ई इंटू बी, फिर सुपर रिलेशन रेट का वैल्यू लिखोगे और द विड्थ ऑफ द पेमेंट लिखोगे यू दिस पर्टिकुलर एक्सटर्नल डिस्टेंस। तो दो टाइप प्रॉब्लम आपके पास आ सकते हैं लेकिन फार्मूला यही रहेगा E इक्वल टू ई अपॉन बी, ठीक है भाई। डेफिनेशन सिंपली है कि भाई द ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड बाय रेजिंग ऑफ आउटर रेट विद रिस्पेक्ट टू इनर रेट दैट इज कॉल्ड द सुपर एलिवेशन दैट इज यूज्ड टू काउंट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर ओवरटर्न आर स्किटिंग द लेटरल फोर्सेस। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्किटिंग एंड स्लिपिंग, अगर मैंने आपको पहले कभी बताया है तो ठीक है, नहीं बताया है तो यहाँ पर मुझे लाजमी बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्किडिंग एंड स्लिपिंग, ठीक है। स्किडिंग और स्लिपिंग में कितना फ़र्क होता है, क्या फ़र्क होता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब आप गाड़ी मूव कर रहे होते हो, गाड़ी चला रहे होते हो, गाड़ी चलाते चलाते अचानक आप ब्रेक अप्लाई करते हो, कोई चीज़ आगे आगे सामने आ जाती है या कुछ भी हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में आप क्या करते हो, ब्रेक अप्लाई करते हो, फुल ब्रेक अप्लाई करते हो। फुल ब्रेक अप्लाई करने से क्या होते हैं, पहिए जो होते हैं वो रुक जाते हैं और गाड़ी स्लिप होती हुई, स्किड होती हुई आगे जाती है।
और गाड़ी के टायरों के निशानात बन जाते हैं। वो जो गाड़ी आगे चलती जाती है उस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम कहते हैं स्किडिंग, जहाँ पर व्हीकल के ब्रेक्स अप्लाई हों और व्हीकल आगे मूव करती जाए, दैट फिनोमेना विल बी कॉल्ड एज स्किडिंग। बाकी स्लिपिंग क्या है? स्लिपिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी गाड़ी है वो किसी खड्डे में फंस गई है या किसी कीचड़ में फंस गई है, ठीक है। कीचड़ में फंस जाएगी तो फिर क्या होगा, आप रेस देते जाओगे, रेस देने से गाड़ी के पहिए तो मूव करेंगे लेकिन गाड़ी खुद आगे नहीं जाएगी। ऐसे होता है ना, एक जगह पे गाड़ी फंस जाती है, तो फिर गाड़ी के पहिए मूव कर रहे होते हैं लेकिन गाड़ी खुद आगे नहीं जा रही होती, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कहते हैं स्लिपिंग, ठीक है। स्किडिंग होता है जब गाड़ी आगे मूव कर जाए, लेकिन स्लिपिंग होती है जब गाड़ी उधर ही उधर फंसी रहे। सो इसको हम अगर टेक्निकल वे में डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल ये टायर है, एक टायर है, तो इस टायर का जो सर्कम्फ्रेशनल एरिया होगा वो कितना होगा, यानी ये जो पूरा इस टायर को अगर हम हॉरिजेंटली इसको यहाँ से काट कर हॉरिजेंटली इसको बिछा दें तो कितना डिस्टेंस ये कवर कर सकता है, फॉर एग्जांपल इतना डिस्टेंस कवर करेगा। ये जो पर्टिकुलर टायर है इसको यहाँ से काट कर इसको हम बिछा देते हैं, मीन्स यहाँ इसको यहाँ पर लाते हैं, बाकी सारा एक रोप की तरह इसको बिछा देते हैं, तो ये सर्कमफ्रेंस का टोटल डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये हो जाएगा, जिसको हम सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस या सर्कमफ्रेंशियल एरिया कहते हैं, इतना हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम स्किडिंग और स्लिपिंग को डिफाइन करते हैं। अब स्किडिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, वेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इज ग्रेटर देन द सर्कमफ्रेंशियल एरिया ऑफ द व्हीकल, सर्कमफ्रेंशियल एरिया ऑफ द टायर, दैट विल बी कॉल्ड एज स्किडिंग, मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एरिया, सी ए कर दो या सिर्फ ए कर दो, सर्कमफ्रेंशियल एरिया ऑफ द टायर, दैट विल बी कॉल्ड एज द स्किडिंग। क्या होगा, सर्कमफ्रेंशियल एरिया से ज्यादा करेगा, स्लिप होता जाएगा, स्किड होता जाएगा, टायर्स मूव नहीं कर रहे होंगे, टायर्स के ऊपर आपने ब्रेक पे पांव रखा हुआ होता है, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी मूव कर रही होती है, टायर मूव नहीं कर रहे होते, तो क्या हो जाएगा कि टायर का डिस्टेंस कम हो जाएगा, आपके जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ज़्यादा गाड़ी ने स्किड किया है उससे। सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल इटसेल्फ व्हेन द ग्रेटर देन द सर्कमफेरेंशियल एरिया ऑफ द टायर, दैट विल बी कॉल्ड एज स्किडिंग। बाकी ये स्लिपिंग, स्लिपिंग में क्या होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल इज लेस देन द सर्कमफेरेंशियल एरिया ऑफ द टायर, क्योंकि गाड़ी के जो पहिए हैं वो तो मूव कर रहे होते हैं, वो अब रेस गाड़ी के पहिए मूव कर रहे होते हैं लेकिन गाड़ी आगे नहीं चल रही होती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्लिपिंग। मेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल, ये दोनों जो डेफिनेशन है वो अपने बुक में आप मेरे देना है, लिख लेना कहीं पर साइड में। ओके, सुपर एलिवेशन इज एक्सप्रेस एज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल विड्थ, जी जो हमने ये पिछले स्लाइड में एक फार्मूला पढ़े था ई इज इक्वल अपॉन बी, सो वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकाला गया है, निकालते परपेंडिकुलर है एन एल और बेस है एम एल, दिस इज द परपेंडिकुलर एन एल एंड बेस इज एम एल, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट विल बी एन एल अपॉन एम एल। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द इन द सुपर एलिवेशन द एंगल इज वेरी स्मॉल, सो व्हेन देयर इज थी व्हेन द थीटा इज वेरी स्मॉल देन टेन थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा, दैट इज अ थ्योरम। सो अगर साइन थीटा का अगर फार्मूला देखें दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपाटेन्यूस, सो ये जो एम एल डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू एम एन डिस्टेंस, ये जो बेस होगा दैट विल बी इक्वल टू हाइपाटेन्यूस, मीन्स एम एल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एम एन डिस्टेंस, जो मैंने आपको बोला था कि भाई ये अगर सुपर एलिवेशन है, ये पर्टिकुलर सुपर एलिवेशन है, तो ये इंक्लाइंड विड्थ और ये जो हॉरिजॉन्टल
even same होता है because the angle is with this आवाज कट ऑफ होती है जब इसने यहां e is equal to e upon p. अच्छा कट ऑफ है ये सर क्लियर ना ज्यादा कट ऑफ ये सर बहुत कट हो रही है. अच्छा जब कट ऑफ हो ना उस टाइम मुझे बताया करो यार. सराहने बस ये आप इंटरप्रेट अच्छा कल भी ऐसा हो रहा था ना. नहीं सर कल नहीं कल भी कट ऑफ है पे या ठीक है ठीक है. ओके इसको रिपीट करते हैं. दिस इज द एक्चुअली स्मॉल डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सटर्नल डिस्टेंस और फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सुपर एलिवेशन जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा. दैट वाज द ई इज इक्वल टू ई अपॉन बी एक्सटर्नल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द विड्थ ऑफ पेमेंट. तो यहाँ पर इस फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए वी यूज द फार्मूला ऑफ टेन थीटा दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो दिस इज द परपेंडिकुलर एन एल डिस्टेंस एंड is the ml distance and upon ml. लेकिन मैंने आपको बोला था horizontal distance is equal to will be equal to this inclined distance because theta is very small. So at that particular point for this particular situation we use a theorem that is the tan theta will be equal to sin theta when theta is very small. So tan theta की जगह पे हम sin theta का formula रखेंगे. सो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज. मींस ये जो एम एल डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू एम एन डिस्टेंस ये दिस इंक्लाइन डिस्टेंस. इसीलिए एम एल के लिए एम एन डिस्टेंस या एम एन पॉइंट यहाँ पर रखा है. सो द फार्मूला विल बी ई एल इज इक्वल एन एल अपॉन एम एन. सो एन एल डिस्टेंस इज एक्चुअली इक्वल टू द एक्सटर्नल डिस्टेंस यहाँ पर शो किया गया एंड एम एन इज इक्वल टू दिस इंक्लाइन विड्थ. So E will be equal to E upon B. This is the formula actually. E is equal to E upon B. So where the E is the total rise in the outer edge and B is the total width of the pavement. बिल्कुल simple calculation है. थोड़ा बहुत आपको अगर आपने थोड़ा भी mind लगाया तो ये calculation आपको समझ में आ जाएगी. Okay, analysis of super elevation. How will we will analyze the super elevation? अच्छा इसकी डेरिवेशन मैं किसी को दूंगा कि भाई ट्राई द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सुपर एलिवेशन रेट. ये मैं किसी को एक असाइनमेंट के तौर पर दूंगा. वो एक प्रेजेंटेशन बनाएगा डेरिवेशन ऑफ कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेटिंग द फार्मूला फॉर सुपर एलिवेशन. वो आपको बताएगा कि हाउ वी विल ड्राइव दैट पर्टिकुलर फार्मूला. लेकिन यहाँ पर भी डेरिवेशन गिवन है वो मैं स्किप करूँगा क्योंकि ये जो सुपर एलिवेशन का जो लेक्चर है वो बहुत लंबा है. वो बाकी जो डेरिवेशन है वो किसी और से हम पढ़ लेंगे किसी और से समझ लेंगे या वो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके हमें भेजेगा. खैर व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ व्हीकल व्हाइल मूविंग ऑन अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 1 मीटर एट अ स्पीड ऑफ वी माइल्स मीटर्स पर सेकंड दैट आर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वेट ऑफ द व्हीकल. बोलने का मतलब ये है कि जब भी सुपर एलिवेशन रोड पे कोई भी व्हीकल मूव करती है तो उस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं. ये फोर्सेस एक्ट करते हैं एक तो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है दैट पुल द व्हीकल आउटवर्ड डायरेक्शन और दूसरा एक्ट करता है द वेट ऑफ द व्हीकल और तीसरा एक्ट करता है द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द व्हीकल या फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर एंड द पेमेंट. ये वही चीज़ यहाँ पर गिवन है वही बता रहा है कि भाई सेंटर दीज फोर्सेज एक्ट ऑन द पर्टिकुलर व्हीकल व्हेन इट इज मूविंग ऑन द सुपर एलिवेटेड रोड. द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी इज इक्वल डब्ल्यू वी स्क्वायर अपन जी आर दैट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सुपर एलिवेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये आपने फिजिक्स 10th के फिजिक्स में भी पढ़ा होगा पी इज इक्वल वी डब्ल्यू वी स्क्वायर अपन जी आर एक्टिंग हॉरिजॉन्टल आउटवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अच्छा यहाँ पर अगर पी अपन डब्ल्यू का फार्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा W को यहाँ पर लेके आएंगे बाकी वी स्क्वायर अपन जी आर यहाँ पर आ जाएगा. सो ये थोड़ा फार्मूला याद कर लें पी अपन W इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन जी आर फ्रॉम द फार्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकॉज ये हमें हेल्प करेगा वाइल ड्राइविंग द फार्मूला फॉर सुपर एलिवेशन. ठीक है
Second is the width of the vehicle acting vertically downward through the center of the gravity. Second is the width of the pavement, weight of the vehicle. And third is the frictional force developed between the wheels and the pavement counteractions transversely along the pavement surface toward the center of the curve. जो third force है that is the frictional force simply. So यहाँ पर देखें हमारे पास एक formula है external distance का that is bv square upon gr where b is the width of the pavement, v is the speed of the vehicle and g is the acceleration due to gravity and r is the रेडियस ऑफ द कर्वेचर. ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ एच इज इक्वल बी वी स्क्वायर अपन जी आर दैट इज ड्राइव्ड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. आप कोई भी सुपर एलिवेटेड रोड हो उसके ऊपर व्हीकल को चलाओ और तो व्हीकल के जो तीन फोर्सेज होते हैं वो एक्ट करेंगे. कौन कौन से? सुपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेट ऑफ द व्हीकल एंड द फ्रैक्शनल फोर्स. सो ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपके पास आ जाएगा. ये जो ट्रायंगल है ऐसे बन जाएंगे. एक ट्रायंगल बनेगा आपका सुपर एलिवेशन का, दूसरा ट्रायंगल बनेगा जो फोर्सेस दोस फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द व्हीकल. ठीक है. सो दो ट्रायंगल आपके पास आ जाएंगे. एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है. एक ट्रायंगल है बी एच का ट्रायंगल और दूसरा है डब्ल्यू एंड पी का ट्रायंगल. ठीक है. So we will compare both triangles and that we will have the formula for h, that is the external distance, which is bv square upon gr. जैसे यहाँ पर देखें tan theta 1 is equal to tan theta 2 कर रहा है. tan theta is perpendicular upon base, तो theta 1 के लिए tan theta will be this perpendicular upon base h upon b. ये h and ये b distance. उसके बाद tan theta 2 की बात करें, ये theta 2 वाला triangle, इसमें अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखें तो जो थीटा के सामने वाला जो भी पोर्शन होता है दैट इज़ ऑलवेज द परपेंडिकुलर. एंगल के सामने जो भी पोर्शन होता है दैट इज़ ऑलवेज द परपेंडिकुलर. सो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा होगा? पी अपॉन डब्ल्यू. ठीक है. इस ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल नंबर 1 के लिए एच अपॉन बी होगा टेन थीटा का वैल्यू और ट्राइंगल नंबर 2 के लिए पी अपॉन डब्ल्यू होगा दैट इज़ द वैल्यू फॉर theta 2, tan theta 2. So h upon b will be equal to p upon w. p upon w के लिए मैंने आपको बोल रहा था कि एक वैल्यू याद कर लेना, that is p upon w is equal to v square upon gr, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने निकाला था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से. सो एच अपॉन बी इज इक्वल पी अपॉन w व्हेन इफ यू मल्टीप्लाई बी ऑन द बोथ साइड, या सिंपली आप ऐसे कर दो कि b को, यहाँ वाला b जो है उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेगा. इसी भी तरीके से भी आपके पास फार्मूला आ जाएगा एच इज इक्वल बी स्क्वायर अपन जी आर मल्टीप्लाई बाई बी दैट इज एच इज इक्वल बी वी स्क्वायर अपन जी आर. क्या दैट इज यूज टू फाइंड द एक्सटर्नल डिस्टेंस आल्सो. अच्छा, दिस इज द डेरिवेशन फॉर कैलकुलेटिंग द फार्मूला फॉर द सुपर एलिवेशन दैट इज ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन जी आर. तो इसको थोड़ा बहुत आप देख लेना. जिसको मैं ये असाइनमेंट दूंगा वो एक्चुअली इस ये जो डेरिवेशन है इसको थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से देखे और इसको पढ़ के आए और इसको फिर एक्सप्लेन करे. ये मैं बाद में अनाउंस करूँगा किसको मैं दे रहा हूँ. ई प्लस एफ एस इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन जी आर दैट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दी सुपर एलिवेशन रेट. ठीक है, सेम है यहाँ पर गिवन है. अच्छा, ई प्लस एफ इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन जी आर इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सुपर एलिवेशन रेट इन मीटर्स पर सेकेंड व्हेन वी इज मीटर्स पर सेकेंड एंड आर इज इन मीटर्स. और ई प्लस एफ इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन 127 ऑफ आर इज द फार्मूला व्हेन वी इज इन किलोमीटर्स पर आवर एंड आर इज इन मीटर. एंड दिस पर्टिकुलर ई प्लस एफ इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन 15 ऑफ आर इज व्हेन द वी इज इन माइल्स पर आवर. ये इसमें वी इन मीटर्स पर सेकेंड, इसमें वी इन किलोमीटर्स पर आवर एंड इसमें वी इन माइल्स पर आवर. सो ये जो 127 है, 15 है, दीज आर दी कन्वर्जन फैक्टर्स. एक्चुअली ये तीनों फार्मूलाज आपके पास आपको याद होने चाहिए, लेकिन ज़्यादातर आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए ई प्लस एफ इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन 15 ऑफ आर, बिकॉज वी शुरू से लेकर हम जो माइल्स पर आवर है उसको उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. ठीक है, ई प्लस एफ इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ये सेम फार्मूला है. यहाँ पर जो रिमेंबर करने की चीज़ है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ एस द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्सेस साइड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. एक्चुअली उसके लिए क्या है कि इफ़ द डिज़ाइन स्पीड इज़ 20 देन
the fs max will be 0.17 and the design speed is 70, fx max will be 0.10. अगर इसके बीच में कोई भी वैल्यू आता है तो फिर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करके कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 30, 40, 50, 60, 70 तक जाके आप 30 के लिए कोई भी वैल्यू लो, फॉर एग्जांपल 0.17 है तो आप इसको 0.15 कर लो, 0.13 कर लो, 0.12 कर लो, ऐसे कर सकते हो। 20 के लिए 0.17 है, 30 के लिए 0.15 कर लो, 40 के लिए 0.13 कर लो और 60 के लिए 0.12 कर लो और 70 के लिए 0.10, ऐसे अप्रोक्सीमेटली फिर आपको कैलकुलेट करना है, मीन्स जो वैल्यू है वो देखना है। ओके, सुपर एलिवेशन कैन नॉट बी टू लार्ज सिंस एन एक्सेसिव मास कंपोनेंट में पुश स्लोली मूविंग व्हीकल डाउनवर्ड द क्रॉस रोड। क्या होता है कि सुपर एलिवेशन हम ना कम प्रोवाइड करें ना ज़्यादा प्रोवाइड करें, अगर ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो जो स्लो मूविंग व्हीकल्स होते हैं वो हो सकता है उस सुपर एलिवेटेड रोड पे अगर चढ़ें तो वो टिल्ट होके गिर भी सकते हैं, या गिर सकते हैं या रिवर्स में चले जा सकते हैं, और लेकिन गिरने का खतरा उसमें ज़्यादा होता है स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए। जो फास्ट मूविंग व्हीकल होते हैं, कार्स वगैरह होते हैं, वो तो फास्टली उस हॉरिजॉन्टल कर्व को कर्व के ऊपर मूव कर जाते हैं, लेकिन जो स्लो मूविंग व्हीकल्स होते हैं वो स्लोली स्लोली उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल कर्व पे या हॉरिजॉन्टल कर्व के सुपर एलिवेशन पे मूव कर रहे होते हैं। वैसे जो सुपर एलिवेशन होता है वो मेजॉरिटी डिपेंड कर रहा होता है दैट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ व्हीकल। जितना डिज़ाइन स्पीड होगा उतना हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर देखें ना, ई प्लस ए फिजिकल वी स्क्वायर अपन जी आर, सो द ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्पीड ऑफ द व्हीकल, स्क्वायर रूट ऑफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल या स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल, लेकिन डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द व्हीकल। When the design speed is, for example, 60 miles per hour, their super elevation will be different. When the design speed is 80 miles per hour, your super elevation will be different. So, जो racing cars होते हैं, racing car tracks होते हैं, circular curve में अगर बनाए होते हैं, circularly बनाए होते हैं, तो उसमें super elevation बहुत ज़्यादा होती है, because the speed of vehicle is considered very much, approximately 300, 400 kilometers per hour. तो उसके हिसाब से फिर वो सुपर एलिवेशन देते हैं। इसी तरीके से जो नॉर्मल सर्कुलर कर्व में, उसमें क्या होता है कि जो स्पीड ऑफ व्हीकल होता है, डिज़ाइन स्पीड ऑफ द व्हीकल इज़ वेरी मच स्लो, 40 या 60 तक जाते हैं सर्कुलर कर्व में डिज़ाइन स्पीड, तो उसके हिसाब से सुपर एलिवेशन 7%, 8%, 10% इनफ होता है। तो लिमिटिंग वैल्यूज फॉर द सुपर एलिवेशन कौन कौन से हो सकते हैं भाई, 10% इज रिकमेंडेड फॉर वैल्यूज फॉर रीजन विदाउट स्नो एंड आइस कंडीशन एंड ऑल्सो फॉर हिली रोड्स, और 7% इज फॉर प्लेन रूरल रोड्स एंड हाई स्पीड अर्बन रोड्स के लिए। ठीक है, प्लेन रूरल रोड्स हों या हाई स्पीड अर्बन रोड्स हों, उसके लिए 7% इनफ होता है। 4% and 6% इज अप्रोक्सीमेटली इनफ फॉर अर्बन एंड सब अर्बन एरियाज। ये MCQs में भी आते हैं आपके पास, अगर आप कुर्मी के बुक को पढ़ोगे, हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पोर्शन पढ़ोगे, तो उसमें आपके पास ये गिवन है कि भाई व्हाट इज़ द लिमिटिंग वैल्यूज फॉर अ व्हीकल व्हेन इट इज़ मूविंग ऑन अ प्लेन रूरल रोड और हाई स्पीड अर्बन रोड, तो आप टिक करोगे 7% को। ठीक है, ये एज ए MCQs भी आपको याद होने चाहिए। ओके, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इज कंट्रोल्ड बाय एक्चुअली चार फैक्टर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं मैक्सिमम सुपर एलिवेशन को, कि भाई कितना मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करें, इधर 7% करें, 10% करें या 10 से ज़्यादा करें वगैरह वगैरह, दैट इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द फॉलोइंग फोर फैक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर इज क्लाइमेटिक कंडीशन, द अमाउंट ऑफ आइस एंड स्लो एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन। जो सिंध रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डिफरेंट है, और जो बलोचिस्तान में है वो डिफरेंट है, जो आपके क्वेटा साइट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द रोड, वी प्रोवाइड द सुपर एलिवेशन क्लाइमेटिक कंडीशन एक्चुअली। सेकंड इज टेरेन, द टाइप ऑफ टेरेन इज एक्चुअली कौन सा टाइप ऑफ टेरेन है, फ्लैट टेरेन है, रोलिंग टेरेन है, माउंटेनस टेरेन है, उस टेरेन के हिसाब से फिर हम जो सुपर एलिवेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। एक सर्कुलर कर्व आ रहा है फ्लैट टेरेन पे, एक सर्कुलर कर्व आ रहा है रोलिंग टेरेन पे, और एक सर्कुलर कर्व आ रहा है माउंटेनस टेरेन पे, लेकिन तीनों का जो रेडियस है वो सेम है, पर उनकी सुपर एलिवेशन रेट डिफरेंट होंगे, बिकॉज द टाइप ऑफ टेरेन इज डिफरेंट, रीजन इज डिफरेंट।
आल्सो इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एरिया, रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, वहाँ पर भी डिपेंड करता है, बिकॉज रूरल एरिया में हम डिज़ाइन स्पीड अलग रखते हैं, अर्बन एरिया में डिज़ाइन स्पीड अलग रखते हैं, उस पर डिपेंड करके फिर सुपरइल्यूशन रेट कैलकुलेट करते हैं. लास्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल हु माइट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाई सुपरइल्यूशन रेट्स. सो दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल्स. जो स्लो मूविंग व्हीकल्स होते हैं उनको हम ज़्यादातर कंसिडर करते हैं कि भाई उनकी वो डिस्टर्ब ना हो, ऐसा ना हो कि वो गिर जाएँ या ओवरटर्न हो जाएँ. सो द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, द सेलेक्टिंग ऑफ मैक्सिमम सुपर एलिवेशन रेट इज डिपेंडिंग अपॉन दीज फॉलोइंग फैक्टर्स: क्लाइमेटिक कंडीशन, टेरेन ऑफ द रोड पर्टिकुलरली, टेरेन ऑफ द ग्राउंड एक्चुअली, टाइप ऑफ द एरिया एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल्स. ठीक है भाई. सो हाउ यू विल कैलकुलेट द मिनिमम रेडियस फॉर मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व व्हेन द सुपर एलिवेशन रेट इज गिवन टू यू. सुपर एलिवेशन रेट एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल इज गिवन टू यू. ये सेम फार्मूला है, मिनिमम रेडियस का फार्मूला कहाँ से निकाला गया है? इसके सुपर एलिवेशन के फार्मूला से. पीछे आपने पढ़ के आए होगे ना, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 15 ऑफ ई प्लस एफ. ये हमने फार्मूला पढ़ा था, 15 ऑफ आर एक्चुअली. ठीक है, इसी से यहाँ से आर को इधर लेके आए, ई प्लस एफ को यहाँ पर लेके आए, तो ये फार्मूला बन गया आर मिनिमम का, रेडियस कैलकुलेशन का फार्मूला. सो वी विल कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कर्व, मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला, आर मिनिमम इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन 15 ई प्लस एफ. यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल है कि बाई डिजाइन रेडियस एग्जांपल, अज्यूम अ मैक्सिमम सुपरइल्यूशन रेट इज 8% एंड डिजाइन स्पीड इज 60 माइल्स पर आवर, व्हाट इज विल बी द मिनिमम रेडियस फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. ई आपके पास 8% है, वी आपके पास 60 माइल्स पर आवर है. सिंपल आप फार्मूला में पुट करोगे, दैट इज आर मिनिमम इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन 15 ऑफ ई प्लस एफ, you will have the value of our minimum radius of the curve, that is 1200 feet actually. Ek aur hamare paas problem hai, that is a section of road is being designed as a high speed highway. Ek road hai jo high speed highway using ASHTO standard, what is the maximum superposition rate for existing curve radius of 2500 feet? एक existing curve है of radius 2500 feet, उसमें जो superposition rate होगी वो कितना होगा? And 300 feet for safe vehicle operation. बोल रहा है कि एक radius of curvature है 2500 feet और एक radius of curvature है, radius of curve है 300 feet. दोनों सिचुएशन के लिए हमें बताएं कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन रेट, व्हाट विल बी सुपर एलिवेशन रेट. सो दोनों के लिए हमें सिंपली वैल्यू में वैल्यूज पुट करेंगे. हमारे पास फार्मूला क्या था, आर मिनिमम इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन 15 ऑफ ई प्लस एफ. या सिंपली आप अगर ई प्लस एफ इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन 15 ऑफ आर करेंगे फिर भी वैल्यू आ जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट व्हेन आर इज इक्वल टू 2500. सो ये फार्मूला, ये जो कैलकुलेशन है, दैट इज़ व्हेन आर इज इक्वल टू 2500 इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन 15 ई प्लस एफ. ई एंड एफ के वैल्यूज यहाँ पर ई हमें कैलकुलेट करना है, एफ एस के वैल्यू हम लेते हैं 0.10 फॉर 70 माइल्स पर आवर. जो प्रीवियसली एक टेबल मैंने आपको शो किया था ना, 20 माइल पर आवर के लिए 0.17 था और 70 माइल पर आवर के लिए एफ का वैल्यू था 0.10. तो उसी से हमने निकाला है, फॉर 70 माइल पर आवर एफ एस वैल्यू ऑफ एफ एस विल बी 0.10. सो सिंपल फार्मूलाज में फुट करेंगे, आर मिनिमम इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन 15 ई प्लस एफ वाले फार्मूला में, उसमें आर 2500 पुट करेंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू आएगी, दैट इज 3%. एंड अगर आर की वैल्यू 300 पुट करोगे, बोल रहा है ना कि 300 भी पुट करो, अगर 300 पुट करोगे दैट विल बी 300 इज इक्वल द वैल्यू ऑफ ई विल बी 0.0988, that will be approximately equal to 9.8%. Super elevation rate will be 9.8%. So the answer is, when the radius of curvature is 2500 feet, the super elevation rate provided will be 3%, and when the radius of curvature is 300 feet,
the super elevation rate will be provided 9.8%. Simple as that. अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन पे आते हैं कि भाई हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट सुपर एलिवेशन, हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट अ सुपर एलिवेशन ऑन अ पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल कर्व. सुपर एलिवेशन को कैसे कैलकुलेट कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्चुअली, प्रोवाइड करते हैं एक्चुअली. तो उसके लिए एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करने के लिए. हम मैंने आपको बोला था कि जो सर्कुलर कर्व होता है वो कैसे कनेक्टेड होता है. स्ट्रेट सेक्शन होता है पहले, ठीक है, उसके बाद ट्रांजिशन कर्व आता है और उसके बाद परफेक्टली एक सर्कुलर कर्व आता है, परफेक्ट सर्कुलर कर्व, ठीक है. सो जो हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं वो हम ट्रांजिशन कर्व से लेके ट्रांजिशन कर्व से प्रोवाइड करना शुरू करते हैं और जो ट्रांजिशन कर्व जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर हम फुल सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं और जो सर्कुलर कर्व का पोर्शन होता है वहाँ पर जो रोड होता है वो फुली सुपर एलिवेटेड होता है, वहाँ पर फुल सुपर एलिवेटेड होता है. कहने का मतलब ये कि फुल सुपर एलिवेशन जो भी हम ग्रेजुअली प्रोवाइड करते हैं वो इस ट्रांजिशन पोर्शन में ही प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं सुपर एलिवेशन ट्रांजिशन. सुपर एलिवेशन ट्रांजिशन मीन्स प्रोवाइडिंग ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन द ट्रांजिशन कर्व एक्चुअली, ठीक है. अच्छा, वी प्रोवाइड सुपर एलिवेशन फ्रॉम टेंजेंट टू द सुपर एलिवेशन मस्ट बी डन ग्रेजुअली फॉर अ डिस्टेंस विदाउट डिप्रिशिएटिंग रिड्यूसिंग ETC. तीन मेथड्स होते हैं इसको प्रोवाइड करने के लिए, सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करने के लिए तीन मेथड होते हैं. फर्स्ट मेथड इज व्हेन यू इफ़ यू रोटेट द पेमेंट अबाउट द सेंट्रल लाइन. सेकंड इज व्हेन रोटेट द पेमेंट अबाउट द इनर एज ऑफ द पेमेंट. एंड थर्ड इज व्हेन रोटेट द पेमेंट अबाउट द आउटर एज ऑफ द पेमेंट. फर्स्ट वाला मैं आपको समझाता हूँ, बाकी आपको समझ में आ जाएगा. मसलन ये रोड है, एक सिंपल रोड है. चलो ठीक है, इधर बना देते हैं. ये एक रोड है, ठीक है, सिंपल स्ट्रेट रोड है. तो इस रोड का वर्टिकल क्यों बना दिया, स्ट्रेट बनाते हैं रोड. ये स्ट्रेट एक रोड है. इस रोड का जो ये मिडिल वाला पोर्शन होगा दैट विल बी सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड. इस वाला लेफ्ट वाला पोर्शन होगा फॉर एग्जांपल दैट इज द इनर एज ऑफ द पेमेंट. और जो ये राइट वाला पोर्शन होगा दैट विल बी द आउटर एज ऑफ द पेमेंट. ये सेंट्रल लाइन ऑफ द पेमेंट, इनर एज ऑफ द पेमेंट एंड आउटर एज ऑफ द पेमेंट. सो जब आप ये फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हो रोटेटिंग द पेमेंट अबाउट द सेंट्रल लाइन, इसमें क्या करते हो सेंटर सुपर एलिवेशन क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हो कि आउटर इनर एज को थोड़ा डाउनवर्ड मूव करते हो और आउटवर्ड एज को थोड़ा अपवर्ड मूव करते हो. इस तरीके से आपके पास सुपर एलिवेशन क्रिएट हो जाता है. ए से डाउनवर्ड मूव किया और इसको अपवर्ड मूव किया तो आपके पास ए से सुपर एलिवेशन क्रिएट हो जाएगा इन दिस वे. और इसका एक्चुअल शेप कैसे बन जाएगा फिर, इस पर्टिकुलर पोर्शन रोड का एक्चुअल पोर्शन बन जाएगा दिस, लाइक दिस. ये सुपर एलिवेशन क्रिएट हो गया. व्हेन यू रोटेट द पेमेंट अबाउट द सेंट्रल लाइन यू रेज वन साइड ऑफ द पेमेंट एंड यू डाउनवर्ड द अदर साइड ऑफ द पेमेंट. और लाजमी नहीं है कि इनर साइड को ही डाउनवर्ड करो, ऐसे भी हो सकता है कि आउटवर्ड साइड को आप डाउनवर्ड करो और इनर साइड को अपवर्ड करो. पर किसी भी तरीके से एक साइड को डाउनवर्ड करना है, एक साइड को अपवर्ड करोगे तभी आपके पास सुपर एलिवेशन क्रिएट हो जाएगा. इसी तरीके से अगर सेकंड पोर्शन की बात करें रोटेटिंग द पेमेंट अबाउट द इनर एज ऑफ द पेमेंट. सो मसलन ये इनर एज ऑफ द पेमेंट है तो हम क्या करेंगे कि आउटर एज को फिक्स रखेंगे और इनर एज को मूव करेंगे. फिर अगर हमें सुपर एलिवेशन ऊपर की तरफ देनी है तो इसको ऊपर मूव करेंगे, अगर नीचे की तरफ देनी है तो हम इसको नीचे मूव करेंगे. सो अगर इसको आप नीचे मूव कर रहे हो तो फिर कैसे हो जाएगा सुपर एलिवेशन, दैट विल बी लाइक दिस. ये फिक्स है और ये सुपर एलिवेशन हो जाएगा इस तरीके से. और यहाँ पर व्हीकल्स मूव कर रहे होंगे हॉरिजॉन्टल. इसी तरीके से ये जो सी पोर्शन है दैट इज रोटेटिंग अबाउट द आउटसाइड ऑफ द पेमेंट आउटर एज ऑफ द पेमेंट. सो जो आउटर साइड है उसको किसी भी तरीके से मूव करें, या डाउनवर्ड मूव करें या आउटवर्ड मूव करें, लेकिन इनर एज ऑफ द पेमेंट को हम फिक्स रखते हैं, ठीक है. ये तीन मेथड्स होते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द फॉर अटेनिंग द सुपर एलिवेशन. रोटेटिंग द पेमेंट अबाउट द सेंट्रल लाइन, रोटेटिंग इनर एज ऑफ द पेमेंट, रोटेटिंग अबाउट द
आउटसाइड द एज ऑफ द पेमेंट. ये सिंपली ऐसे होता है, जब आप जब कंस्ट्रक्शन होती है ना, हम हॉरिजॉन्टल कर्व को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, फिर हम कंस्ट्रक्ट तो ऐसे ही होता है ना कि हम मट्टी देते जाते हैं और तो मट्टी को कंपेक्ट करते जाते हैं, ठीक है वो. सो जब हम एक लेवल रोड को सुपर एलिवेटेड रोड बनाते हैं तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, पेमेंट को रोटेट करें सेंट्रल लाइन पे, पेमेंट को इनर एज ऑफ द पेमेंट को रोटेट करें या आउटर एज ऑफ द पेमेंट को रोटेट करें, इस तरीके से फिर हम उसी हिसाब से मटीज सॉइल हम एम्बेकमेंट बनाते जाते हैं और सुपर एलिवेशन क्रिएट करते जाते हैं, ठीक है भाई. ये है एक्चुअली रोटेटिंग द पेमेंट अबाउट द क्या कहते हैं, अबाउट द सेंटर लाइन ऑफ द पेमेंट, रोटेटिंग द पेमेंट अबाउट द सेंटर लाइन ऑफ द पेमेंट. लेट मी चेक द टाइम. अच्छा है हमारे पास अभी टाइम. दिस इज व्हेन रोटेटिंग द पेमेंट अबाउट द सेंटर लाइन ऑफ द पेमेंट. इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जाम्पल ये देखें कि ये हमारे पास एक नॉर्मल रोड है, नॉर्मल रोड है जिसमें एक क्रॉस स्लोप है. फॉर एग्जाम्पल ये जी है, क्रॉस स्लोप 2% और इस साइड भी क्रॉस स्लोप है 2%, ठीक है. तो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड पे जो क्रॉस स्लोप है उसको जीरो जीरो क्रॉस स्लोप लाना होता है. मट्टी इस तरीके से देनी होती है कि नेक्स्ट लेफ्ट साइड जो क्रॉस स्लोप है 0% क्रॉस स्लोप आ जाए. सो नॉर्मल क्राउड से हम एडवर्स ग्राउंड रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर देखिए 0% आ गया. और उसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉस स्लोप होता है वो ये नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि जो इस साइड पे क्रॉस स्लोप है उसको इस साइड पे क्रॉस स्लोप पे लाना आता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव क्रॉस स्लोप होगा लेकिन ये और यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉस स्लोप होगा. जी हेयर इज द नेगेटिव क्रॉस स्लोप एंड दिस विल बी द पॉजिटिव क्रॉस स्लोप. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर -2% है तो हेयर विल बी द पॉजिटिव 2%, ठीक है. दैट इज द थर्ड स्टेप. फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं कि जितनी भी सुपर रिलेशन आपको प्रोवाइड करती है करना है आपको, वो फुल सुपर रिलेशन प्रोवाइड करते हैं. यहाँ तक 2% तक हमने क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर दिया, बाकी मसलन आपको 7% सुपर रिलेशन प्रोवाइड करना है तो बाकी के 5% पे फिर क्या करते हैं, यहाँ पर इस स्टेप पे थर्ड स्टेप पे या फोर्थ स्टेप पे हम फुल सुपर रिलेशन प्रोवाइड कर देते हैं. और इस पूरे जो इस पूरा ये जो पूरा लेंथ होता है ना, इसको हम कहते हैं सुपर एलिवेशन ट्रांजिशन, क्योंकि ये जो पूरा लेंथ होता है ये ट्रांजिशन कर्व का लेंथ होता है. ट्रांजिशन कर्व का लेंथ ये स्ट्रेट रोड से लेकर सर्कुलर कर्व के स्ट्राक तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व. उसी में ही हमें प्रोवाइड करना होता है सुपर एलिवेशन. बाकी जो आगे सर्कुलर कर्व का पोर्शन होता है उसमें तो फुली सुपर एलिवेशन होता है, फुल सुपर एलिवेशन होता है रोड का. एक और फिगर मैं आपको दिखाऊं उससे ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा आपको. ये देखें ये सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने का पूरा एक आपके पास पिक्टोरियल व्यू है, जिसमें यहाँ पर देखें ये पर्टिकुलर पोर्शन है नॉर्मल रोड ग्राउंड, नॉर्मल रोड. उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये ट्रांजिशन कर्व का डिस्टेंस है. इस पूरे डिस्टेंस को हम कहते हैं सुपर एलिवेशन ट्रांजिशन. हमें जो भी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करनी होती है इस डिस्टेंस में ही, इस लेंथ में ही प्रोवाइड करनी होती है. सो इस लेंथ को हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, सुपर एलिवेशन रन आउट एंड ट्रांजिशन रन ऑफ. वो क्या है वो मैं अभी बताता हूँ आपको. अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद बस क्लास को एंड करते हैं. अच्छा ये है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई नॉर्मल क्राउड से फिर हम 0% तक आते हैं, 0% से फिर एडवर्स क्राउड को रिमूव करते हैं, रिमूव क्राउड को रिमूव करते हैं और उसके बाद फुल सुपर एलिवेशन पे आते हैं. दैट इज द फोर प्रोसेस ऑफ अटेनिंग द सुपर एलिवेशन. मींस फ्रॉम नॉर्मल क्राउड वी हैव टू रिमूव द एडवर्स क्राउड एंड रिमूव द that particular crown and attain the full super elevation. So yahan par bhi given hai, ye pura ek aapko pictorial view hai how we will attain the super elevation, how we attain the super elevation. maslan ek ye aapke paas ek road given hai, theek hai. is road mein kya hai, ye road hai na, yahan par dekhen ये रोड आपके पास गिवन है. तो इस रोड में क्या है कि दो क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किए गए हैं, एक 2% क्रॉस स्लोप है, एक 5% क्रॉस स्लोप है, ठीक है. एक बहुत बड़ा रोड है जिसमें दो क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किए हैं, कोई मसला नहीं. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो डाउनवर्ड क्रॉस स्लोप है उसको अपवर्ड क्रॉस स्लोप के बराबर लाएंगे, ठीक है. जो डाउनवर्ड क्रॉस स्लोप 5% है, अपवर्ड क्रॉस स्लोप 2% है. तो यहाँ पर देखें सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया,
करके ये जो डाउनवर्ड ग्राफ स्लोप है उसको अपवर्ड ग्राफ स्लोप के बराबर लाया। अपवर्ड ग्राफ स्लोप 2% है तो यहाँ पर भी 2% हमने बना दी। ठीक, थर्ड पोर्शन में, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी डाउनवर्ड ग्राफ स्लोप है या अपवर्ड ग्राफ स्लोप है उसको बिल्कुल बराबर 0% के लाना है, 0% ग्राफ स्लोप देना है थर्ड स्टेप में। यहाँ पर देखें 0% एंड 0%। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे कि जो भी डाउनवर्ड ग्राफ स्लोप है उसको अपवर्ड ग्राफ स्लोप देंगे ये, ठीक है। जितना भी डाउनवर्ड ग्राफ स्लोप था उसके बराबर हम अपवर्ड ग्राफ स्लोप देंगे। यहाँ पर देखें डाउनवर्ड ग्राफ स्लोप 2% है तो यहाँ पर 2% हम अपवर्ड ग्राफ स्लोप दे रहे हैं। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो डाउनवर्ड से डाउनवर्ड ग्राफ स्लोप है उतना क्रॉस स्लोप हम प्रोवाइड करेंगे अपवर्ड साइड में। डाउनवर्ड से डाउनवर्ड कितना है 5%, तो यहाँ पर फुल्ली उतना ही क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करेंगे 5%, 5%, 5%। यहाँ पर देखिए 5%, 5% एंड 5%। और फाइनली जितना भी आपको क्रॉस, फिर आपको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है उतना आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, 7%, 7.5%, 8%, 10% जितना भी, ठीक है। ये थोड़ी बात दोबारा आप सुन लें कि स्टेप बाय स्टेप होता है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सुपर एलिवेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ये पूरा जो पोर्शन है इसको हम ट्रांजिशन, सुपर एलिवेशन ट्रांजिशन बोलते हैं। यहाँ से 1 से लेकर जो 6 तक का डिस्टेंस है इसको हम सुपर एलिवेशन डिस्टेंस कहते हैं या ट्रांजिशन डिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि ये जो पूरा कर्व है दैट इज़ द ट्रांजिशन कर्व एक्चुअली। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एडवर्स ग्राउंड को रिमूव करते हैं, जिसमें जो डाउनवर्ड ग्रेड होता है उसको हम अपवर्ड ग्रेड के बराबर लाते हैं, या जो डाउनवर्ड क्रॉस स्लोप है उसको अपवर्ड क्रॉस स्लोप के बराबर लाते हैं। यहाँ पर देखिए 2% और 2% आ गया। थर्ड स्टेप में हम जितना भी नॉर्मल क्रॉस स्लोप है उसको 0% क्रॉस स्लोप पे लाते हैं। यहाँ पर देखें 0% 0% हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, जो डाउनवर्ड क्रॉस स्लोप है उसको अपवर्ड, उतना ही हम अपवर्ड क्रॉस स्लोप देते हैं। यहाँ पर देखें फोर्थ स्टेप में डाउनवर्ड क्रॉस स्लोप 2% है और अपवर्ड क्रॉस स्लोप भी 2% 2% हो गया। और फिफ्थ स्टेप में या फाइनल स्टेप में हम जितना भी डाउनवर्ड क्रॉस स्लोप है 5% है यहाँ पर, तो उतना ही हम फुल सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देते हैं 5%, 5%, 5%, ठीक है। ये सिमिलर स्टेप्स हैं कंस्ट्रक्टिंग द सुपर एलिवेशन। लेकिन इस पूरे स्टेप को या इस पूरे लेंथ को हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, एक होता है टेंजेंट रन आउट पोर्शन एंड दूसरा होता है सुपर एलिवेशन रन ऑफ पोर्शन। टेंजेंट रन आउट सुपर एलिवेशन रन ऑफ पोर्शन, यहाँ पर जो LT गिवन है, यहाँ पर देखें LT इसको कहते हैं टेंजेंट रन आउट, और जो ये LR गिवन है इसको कहते हैं सुपर एलिवेशन रन ऑफ। सो टेंजेंट लेंथ जो होता है, टेंजेंट रन आउट लेंथ होता है वो कितना होता है, और सुपर एलिवेशन रन ऑफ लेंथ होता है वो कितना होता है। टेंजेंट लेंथ जो होता है, टेंजेंट रन आउट लेंथ होता है, जिसे हम क्राउन रन ऑफ लेंथ भी बोलते हैं, क्राउन रन ऑफ लेंथ वो होता है कि भाई नॉर्मल क्रॉस स्लोप से लेकर 0% क्रॉस स्लोप तक जो भी लेंथ रिक्वायर्ड हो, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व रिक्वायर्ड हो, उसको हम कहते हैं टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट रन आउट, ठीक है। नॉर्मल क्रॉस स्लोप से 0 क्रॉस स्लोप तक जो भी लेंथ रिक्वायर्ड हो उसको हम कहेंगे, ये 0% क्रॉस स्लोप है ना, यहाँ तक जो भी लेंथ रिक्वायर्ड होगा नॉर्मल क्रॉस स्लोप से लेकर, ये नॉर्मल क्रॉस स्लोप है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी लेंथ रिक्वायर्ड होगा उसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट रन आउट। बाकी जो पोर्शन बचेगा मीन्स 0% से लेकर फुल सुपर एलिवेशन तक, लेंथ रिक्वायर्ड फ्रॉम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फ्रॉम द 0% क्रॉस स्लोप टू द क्रॉस स्लोप फुली सुपर एलिवेटेड, दैट विल बी कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ सुपर एलिवेशन रन ऑफ, LR लेंथ, यहाँ पर लिखा ना LR लेंथ। सो ये दोनों भी आपको याद होने चाहिए, टेंजेंट रन आउट लेंथ एंड सुपर एलिवेशन रन ऑफ लेंथ। टेंजेंट रन आउट लेंथ होता है नॉर्मल क्रॉस स्लोप से 0% क्रॉस स्लोप तक का लेंथ, और जो टेंजेंट रन ऑफ लेंथ होता है वो होता है 0% क्रॉस स्लोप से लेकर फुल सुपर एलिवेशन क्रॉस स्लोप तक का लेंथ, ठीक है। टेंजेंट रन आउट एंड सुपर एलिवेशन रन ऑफ, इसके जो डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको, अच्छा टाइम तो बहुत हो गया, बस इन जी डेफिनेशन पढ़ा था उन्हें कंपो मैं तक चलिया दो। टेंजेंट रन आउट जो मैंने आपको बोला कि द लेंथ ऑफ हाईवे नीडेड टू चेंज द नॉर्मल क्रॉस स्लोप टू द क्रॉस स्लोप विद एडवर्स ग्राउंड रिमूव्ड, एडवर्स ग्राउंड रिमूव्ड मतलब 0% क्रॉस स्लोप। सो द लेंथ ऑफ हाईवे नीडेड फ्रॉम जीरो नॉर्मल क्रॉस स्लोप टू द 0% क्रॉस स्लोप दैट विल बी कॉल्ड एज टेंजेंट रन आउट लेंथ।
उसके बाद है सुपर एलिवेशन रन ऑफ लेंथ, दैट इज द लेंथ ऑफ हाईवे नीडेड टू चेंज द क्रॉस सेक्शन विथ एडवर्स ग्राउंड रिमूव मीन 0% ग्राउंड 0% क्रॉस स्लोप टू द क्रॉस सेक्शन फुली सुपर एलिवेटेड, दैट पर्टिकुलर लेंथ विल बी कॉल्ड एज सुपर एलिवेशन रन ऑफ लेंथ। सो मसलन ये नॉर्मल क्रॉस स्लोप है, टेंजेंट रनआउट कैसे होगा, ये नॉर्मल क्रॉस स्लोप है तो हम इस क्रॉस स्लोप को नॉर्मल क्रॉस स्लोप को 0% क्रॉस स्लोप पे लाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द 0% क्रॉस स्लोप तक जब लाएंगे दैट विल बी कॉल्ड एज टेंजेंट रनआउट। उसके अलावा सुपर एलिवेशन रन ऑफ कैसे होगा कि इस 0% क्रॉस स्लोप के से हम जब इसको 0% क्रॉस स्लोप से ग्रीन वाला 0% क्रॉस स्लोप से फुली सुपर एलिवेटेड तक लाएंगे दैट लेंथ विल बी कॉल्ड एज द सुपर एलिवेशन रन ऑफ। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक उसमें एक फिगर में बताया था टेंजेंट रन आउट एंड सुपर एलिवेशन रन ऑफ और उसके बाद सर्कुलर कर्व स्टार्ट हो रहा था, वो दोबारा आएगा मैं वहाँ पर समझाता हूँ ये। ठीक है, टेंजेंट रन आउट इज लेंथ ऑफ रोडवे नीडेड टू अकम्पलिश अ चेंज इन आउटसाइड लेंथ क्रॉस स्लोप फ्रॉम नॉर्मल क्रॉस स्लोप टू जीरो क्रॉस स्लोप, मीन्स ऐसे नॉर्मल क्रॉस स्लोप है तो ऐसे 0% क्रॉस स्लोप होगा तो उसको टेंजेंट रन आउट सेक्शन बोलेंगे, फिर 0% क्रॉस स्लोप से फुल सुपर एलिवेशन वाले पोर्शन को हम कहेंगे लेंथ वाल को कहेंगे हम दी सुपर एलिवेशन रन ऑफ सेक्शन। ठीक है, इसके कैलकुलेशन के फार्मूलाज हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो नॉर्मल क्रॉस स्लोप है, नॉर्मल सेक्शन ऑफ द पेमेंट है, उससे लेकर 0% क्रॉस स्लोप तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं टेंजेंट रन आउट LT, उसको डिफाइन करते हैं LT से। और 0% क्रॉस स्लोप से लेकर फुल सुपर एलिवेशन तक जो डिस्टेंस हमें नीड होता है उसको हम कहते हैं सुपर एलिवेशन रन ऑफ, दैट इज LR। बाकी जो सर्कुलर कर्व का पोर्शन होता है उसमें फुल सुपर एलिवेशन होती है, यहाँ पर गिवन है ना भाई, दिस इज द सर्कुलर कर्व पोर्शन एंड ये यहाँ पर सुपर एलिवेशन जो होती है वो फुली प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन कर्व डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉर्मल क्रॉस स्लोप से लेकर फुली सुपर एलिवेशन के स्टार्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन कर्व डिस्टेंस या ट्रांजिशन लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। ठीक है भाई, इसको थोड़ा बहुत देख लेना, अगर कोई बात कहीं पर मिस हो जाए तो इस वीडियो लेक्चर को दोबारा देख लेना। बाकी कुछ रहते हैं जैसे ये अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन है वगैरह वगैरह, ये मैं आपको कल इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा।